तो हेलो दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताया मेरा नाम है हम कि मेरा राज खेलो हम खेलने वाले आइसक्रीम फोर। तो यस गाइस, तो पिछली बार हमने आइसक्रीम थ्री खेली थी। तो गाइस आज जो जो बंदे नए हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि हमारी नई नई वीडियोस कौन कौन सी आ रही। और जिस किसी ने भी अभी तक आइसक्रीम थ्री की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख सकता है। और ना इस गेम के अंदर ये है कि हमारे जो फ्रेंड्स है उसे आइसक्रीम मैंने किडनैप कर लिया है और गाइस इसने मुझे अभी केज में डाल दिया क्योंकि पिछले पार्ट के अंदर पता नहीं यहाँ मैं वैन के साथ ले गया था। और अभी ना यहाँ से फटाफट से ट्रैप डोर से निकल जाते हैं। मिनी रोबोट्स भी हैं गाइस और यहाँ पर वेंट है। भाई ये दरवाजा खोल के देखते हैं। ओ भाई ये मोटोरोला, तो मुझे इसकी स्टोरी पता है। तो ये मोटोरोला के पीछे खड़ा है हमारा जो सिक्योरिटी रूम है जिससे हम अपने दोस्तों को छुड़वा सकते हैं और उनका जो कैबिन है जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं वो खोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जाकर देखते हैं। तो हमें ना अभी एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर को खोलने वाला चाहिए, तो वो मेरे को ढूंढना है। और यहाँ पर तो गाइस ये पड़ा वो खोलने वाला, तो इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है तो इसलिए मैं इसे स्क्रू ड्राइवर खोलने वाला बोलता हूँ। और भाई यहाँ पर है रोड की फैक्ट्री, तो अभी हम रोड की फैक्ट्री के अंदर हैं और हमें फैक्ट्री के अंदर ना आइसक्रीम लगा के एक कैंडी चाहिए और वो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। और ना गाइस यहाँ पर रोड नीचे काम कर रहा है, अपनी आइसक्रीम वैन को ठीक कर रहा है और मेरे को किसी ना किसी तरीके से बचना है। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, फटाफट से ऊपर चलता हूँ, नहीं रोड मुझे देख लेगा। रोड क्योंकि अभी काम कर रहा है तो इसलिए उसने मुझे नहीं देखा है। और ये स्क्रू मुझे खोलने हैं ताकि मैं इसकी फैक्ट्री में जा सकूं। तो फटाफट से मैं इसके स्क्रू खोल देता हूं क्योंकि सारा काम ना फैक्ट्री में ही होने वाला है और यहां पर एक चीज़ का भी काम नहीं है। और आ गया भाई, और ये आ रहा है रोड। तो भाई रोड को कोई परवाह नहीं क्योंकि रोड की ज़िंदगी है ठां बलिए। और यहाँ पर भी एक मिनी रोड होता है भाई मेरे को। और भाई मुझे आना है पर एक नंबर 8 दिखा है और इस 8 का नंबर का ना कुछ आगे जाके काम है जिसकी वजह जो जिससे गेम खत्म होएगी। और यहाँ पर एक और मिनी रोड है गाइस। तो ना एक इस जो ये वाला मिनी रोड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है गेम के अंदर क्योंकि जो ये वाला मिनी रोड है ना इससे हमें एक आधार कार्ड टाइप से मिलेगा जिससे हमें एक डोर खोलना है। और यहाँ पर पूरे देखना, यहाँ पर एक आइसक्रीम मिलेगी हमें। भाई मिनी रोड तो नहीं आ रहा है। सो गाइस ये बेहोश हो चुका है, तो ये ना ये ज़्यादा अच्छे से बना नहीं था इसलिए ये बेहोश हो जाता है। और ना ये जो है ना दरवाजों के ऊपर लॉक, तो इस कार्ड से मेरे को वो खोलने हैं लेकिन वो वाला मेरे को मिल नहीं रहा है। और गाइस ये है वो वाला दरवाजा और इसके अंदर ना एक कारपेट है जिसका आगे जाके हमारा काम है। और यहाँ पर एक आइसक्रीम है और यहाँ पर 2-3 आइसक्रीम डाली और मैंने एक डाल दिया और दूसरी शायद यहाँ मिलती है लेकिन वो कहीं पर भी दिख नहीं रही। और यहाँ पर देख गाइस यार तुक्के से मेरे को आइसक्रीम मिल गई यार। अब फटाफट से वहाँ चलते हैं और इसे डाल दिया मैंने और अब एक ही आइसक्रीम रह गई है जो कि यहाँ पर थी और मैंने स्टार्टिंग में इसे नोटिस कर लिया था। और अब फटाफट से मैंने डाल दिया इसे यहाँ पर और अब दबाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ना कैंडी निकलेगी, इस कैंडी का मेन हमारे को काम है और ये मिल गई मुझे कैंडी। और इस कैंडी को ना वो मोटर दिखा रहा ना मेरे को सबसे ऊपर, वहाँ पर इसे घेर कर आना है क्योंकि इस कैंडी का वहीं पर काम है। क्योंकि गाइस ऐसा है कि जो कारपेट है ना यहाँ पर एक कारपेट बिछाएंगे और फिर वो जो कारपेट है ना उसके नीचे से हमें फ्लोर तोड़ देना है। और एक वो होता है ना जो फायर से रोकते हैं जिससे फायर एक चीज़ होती है, मैं यार दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक ना चीज़ होती है जो फायर को रोकती है, फायर के ऊपर मारते हैं उसे, ऐसे ही फायर ब्रिगेड भी उसके ऊपर ही मारती है। तो उस चीज़ का काम है हमें और फटाफट से वो लेने चलते हैं। और यहाँ पर पहले ना वो कारपेट ऊपर रख के आते हैं फिर मैं तुमको वो बताने वाला हूँ। और यहाँ पर रख देते हैं अपनी कारपेट और जो नीचे ना हमें फायर को रोकने वाला एक वो होता है यार मेरे को उसको नाम याद नहीं आ रहा, वो रेड कलर का दिखता है और उस वो स्प्रे टाइप सा होता है, तो वो लेने जाना है हमें। और ना यस तो ये है वो। और ना इसके जहाँ पर हमारे कारपेट रखी है ना बिल्कुल जस्ट उसके नीचे हमें ये लेकर जाना है ताकि हम वो फ्लोर तोड़ दें और उस और जो कारपेट बिछा दें और जब वो मोटाला भाग के आए तो वो एकदम से यहाँ नीचे गिर जाए। तो यही है वो जगह। और गाइस अभी ना मेरे को फटाफट से जाना है रोड के पास क्योंकि भाई रोड के पास क्यों जाना है आप कह रहे होगे, तो रोड के पास हमें इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पर ना एक लैडर मिलेगी, तो नहीं लैडर नहीं सच, हाँ एक क्रोबार मिलेगा। तो उस क्रोबार से ना एक हमें दरवाजा खोलना है जो जिस दरवाजे के अंदर हमें एक लैडर मिलने वाली है। तो ये रहा रोड, भाई रोड ने मेरे को देख लिया अभी और रोड ऊपर आ रहा है लेकिन मेरे को जाना है नीचे। और मैं फटाफट से इसे चकमा देकर, तो ये रहा मिल गया क्रोबार और फटाफट से अपनी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। और ये देखो ये है गाइस वो फट्टे, इस फट्टे को तोड़ने के बाद ना हमें अंदर जाके एक लैडर मिलेगी जिस लैडर से हम नीचे जा सकते हैं ऊपर।
और लैडर से ऊपर जाने के बाद हमने वो फ्लोर तोड़ना पड़ेगा और फटाफट से इस नेल को तोड़ देते हैं। भाई मिनी रोड तो नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी टूट जा भाई। ओके तो ये टूट चुका है और अभी भाई मिनी रोड वापस मुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से इसे उठा लेता हूँ और फटाफट से चलते हैं लैडर को लेकर वहीं पर इस यहाँ से नीचे जो बिल्कुल कारपेट के नीचे वाला फ्लोर होने वाला है, तो वहीं पर चलते हैं फटाफट से इसे लेकर। और गाइस यही है वो जगह, और फटाफट से मैंने ना इस चेयर से कोई रख दिया यहाँ पर, और ये जगह अपना फायर एक्सटिंक्शन होता है इसका नाम, और ये फट्टा है ना बस यहीं पर हमें उसे मारना है ताकि ये जो फ्लोर है ये टूट जाए। फटाफट से मारता हूँ यार, और ये फ्लोर टूट चुका है। अरे यार ये कारपेट नीचे गिर गई जाके, और फटाफट से ना मेरे को एक कारपेट और वो जितना भी सामान है ना सब ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, नीचे गिर गया जो। और गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कारपेट लेकर, और गाइज अभी ना मेरे साथ एक पोपट हो गया क्योंकि ना जो हमारी कैंडी थी ना वो कैंडी हमारी नीचे गिर गई है, कैंडी भी हमारी नीचे गिर गई है। और फटाफट से इसे लेकर चल लेते हैं ऊपर क्योंकि भाई इसका ही तो जरूरत है हम लोगों। ये मैं क्या लेके जा रहा हूँ? ओके तो अभी मैं कैंडी लेके आ चुका हूँ भाई, मैं बड़ी वाली कैंडी गलती से उठा के ले आया था, तो अभी पूरी कैंडी भर देते हैं यहाँ पर सारी जगह, इसे सारी जगह भरना है। ओके तो फटाफट से सारी जगह इसे भर देते हैं, चार होने वाले हैं और ये एक और भर देते हैं इसे, तो चारों खानों में हमने इसे भर दिया। और अभी फटाफट से कारपेट बिछा देते हैं, और कारपेट भाई यहाँ हाथ से मैं नीचे ना गिर जाऊँ, मैं सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और फटाफट से मैंने इसे भर दिया है पूरे कारपेट को, यहाँ पर लगा देने वाले हम लोग। और यार ओके तो ये बिछ चुका है, तो अब आप सोच रहे होगे इस मोटरले को नींद से उठाने के लिए हमें क्या करना है, तो गाइस इस मोटरले को उठाने के लिए हमें एक लानी एक बंदूक। तो गाइस जो नंबर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था ना उससे एक दरवाजा खुलता है, और मैं इतनी देर से नंबर ढूंढ रहा हूँ मेरे को वो मिल ही नहीं रहे हैं। और गाइस तो ना मेरे को अभी इतनी मेहनत लगी है, मैंने बहुत टाइम के बाद जाके नंबर ढूंढ लिए हैं और अब जाके मुझे परफेक्ट नंबर मिले हैं। मैंने इनके इतने कॉम्बिनेशन लगाए तब भी ये जाकर नहीं खुल रहा था, बार बार रोड आ जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने ले लिया है। तो ये जो बंदूक है ना ये उस मोटल्ले के पेट में हमें मारनी है ताकि वो भागता भागता आए और उस कारपेट के नीचे जाए, और नीचे हम नीचे से मैंने फ्लोर तोड़ रखा है तो वो जाके सीधा नीचे मरेगा ही। तो फटाफट से चल लेते हैं उस मोटल्ले के पास ताकि वो हम उस अपने दोस्तों को छुड़वा सके, और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। और ये मारी मोटल्ले को एक एमो मैंने, भाई उठ गए मोटल्ला जल्दी आ भाई, ये क्या कैसा आलसी बंदा है यार, कितना स्लो स्लो काम कर रहा है। और ये गिर गया मोटल्ला भाई, क्या ही मज़ेदार करारा करारा बजा इस बंदे को। और अभी फटाफट से ना हम लोगों को ये दरवाजे के पीछे जाना है, और फिर फटाफट से भाई यस कर रहा है मेरा बंदा, और अभी फटाफट से मेरे को इस के पीछे जाना है और अपने दोस्तों को छुड़वाना है। तो फटाफट खोलो इसे दरवाजे को भाई, पहले तो तू बंदों के रोड आ जाए, और फटाफट से ये बटन दबा देने वाले हैं हम लोग। ये मैंने दबाया बटन और यहाँ पर हमारे तीनों दोस्त छूट चुके हैं, और ये निकल गए हमारे सारे दोस्त भाई, ये निकला माइक, ये निकले मोटा और ये मोटी, और मोटा मोटी भाई दोनों गले मिल रहे हैं, और माइक भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन इतने में हमारा रोड आ गया भाई। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर भाई, ये रोड फिर से इनके के पीछे पड़ गया भाई, तीनों मोटे मोटे, एक भाई ये मोटा तो बड़ ही नहीं रहा था इसके अंदर, ये चला गया भाई, क्या कर रहा भाई, भाई ले भाई तेरा पोपट हो गया है भाई, क्या तू सोच रहा था, हाँ करके दिखा ले भाई क्या बिगाड़ेगा अब तुम्हारा। हम भाई तीनों जंदों को बचा लिया मैंने भाई, यार एक गलती हो गई है, अभी भी हम इसके फैक्ट्री के अंदर ही हैं क्योंकि ये पाइप भी हमारी फैक्ट्री के अंदर ही जाते हैं। तो मेरे को गाइस अब इसका सीजन 5 भी खेलना पड़ेगा, पर 6-7 जितने भी सीजन है सारे खेलने भाई, पहले ही मैंने इतनी मेहनत से ये सीजन खत्म करा था, बोर भी खेलने ई पास करने में इतना टाइम लगा था। नेक्स्ट सीजन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।